हेलो गाइज, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि बहुत बार कमेंट्स आप लोग किया है कि HVAC के ऊपर एक वीडियो बनाइए, जो हम लोग AC टेक्नीशियन है, उन लोग को थोड़ा आइडिया मिलने के लिए नया नया काम का या कुछ मेंटेनेंस कंपनी में कैसे काम होता है, क्या होता है, तो उसका बारे में उन लोग को नॉलेज देने के लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आज आप लोग को जो AHU है हमारा, FAHU, AHU जो AC टेक्नीशियन लोग है उन लोग को सबको मालूम पड़ जाएगा ये क्या चीज़ है। तो इसका जो PPM होता है मेंटेनेंस कंपनी में, PPM हर चीज़ का होता है, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और HVAC जो भी है सबका PPM होता है। किसका मंथली हर महीना होता है, किसका 3 महीना में एक बार, किसका 6 महीना में, किसका साल में एक बार में होता है, लेकिन जो AHU का PPM है, PPM का पहले हम लोग समझ लेंगे PPM क्या बोलता है, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। PPM का जो फुल फॉर्म है वो है प्लान प्रोविडेंट मेंटेनेंस, जो हम लोग को मेंटेनेंस कंपनी में जो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टीम रहता है वो लोग को ये हर महीना ये काम करना पड़ता है, ये काम को देखना पड़ता है, तो इसी को मेंटेनेंस बोला जाता है। जैसे हम लोग सीधा साधा भाषा में बोलेगा तो जैसे आपका पास एक कार है या बाइक है, आप उसको सर्विसिंग करने के लिए देता है, तो सर्विसिंग को ही इधर PPM बोला जाता है। जैसे ये चीज़ सर्विसिंग करेगा तो उसको इधर ये लोग बोल रहा है कि हम लोग PPM करेगा, इंजीनियरिंग का जो लैंग्वेज है उसमें PPM बोला जाता है, सही है। हम लोग का जनरल जो हम लोग आम आदमी जैसे बात करता है कि सर्विसिंग, जैसे सर्विसिंग कोई कार या कोई बाइक को सर्विसिंग करता है तो उसको कैसे करता है, उसको पहले साफ करता है, पानी में हो या कपड़ा में हो जैसे भी साफ करके ऑयल स्प्रे करता है, बाद में उसका इंजन ऑयल चेंज करता है, उसका चेन चेक करता है, उसका जो भी पार्ट्स खराब हो गया उसको रिप्लेसमेंट करता है। तो सेम चीज़ इसी में PPM में होता है, हर चीज़ में, वो इलेक्ट्रिकल हो या प्लम्बिंग हो या HVAC हो, सही है। मैं आज आप लोग को AC का ऊपर बताएगा, AC टेक्नीशियन का मेंटेनेंस कंपनी में क्या काम होता है और जो AHU का PPM है वो कैसे करता है, कहाँ कहाँ करता है, उसको क्या करना पड़ता है PPM का अंदर, उसका ऊपर मैं आप लोग को बताऊँगा, सही है। तो पहले कोई भी कंपनी में आप लोग जाएगा तो काम करने के लिए आप लोग को इंटरव्यू में जॉब देने से पहले आप लोग का जो इंटरव्यू होगा उसमें वो लोग पूछ लेगा कि PPM क्या है, PPM आप लोग कभी किया कभी नहीं किया, या PPM का मतलब क्या होता है, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोग बता सकता है कि PPM का फुल फॉर्म जो है वो हमारा प्लान प्रोविडेंट मेंटेनेंस है, ये हमारा मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ईयरली होता है, सही है। तो ये मेरा सामने आप लोग देख सकते हैं, एक AHU का मशीन है और इसमें PPM जब हम लोग करने आता है पहले इसको क्या करना पड़ता है कि इसका जो फुल बॉडी है उसको पहले क्लीन किया जाता है, ऊपर से नीचे तक बाहर का जितना भी है ये बॉडी को पूरा क्लीन किया जाता है, कि जो मंथली पूरा मंथ का अंदर जो डस्ट इसका ऊपर गिरा होगा या कुछ कचरा उस कुछ स्क्रैच जो भी है इसका ऊपर जो होएगा डस्ट, इसको सब साफ सफाई करके इसको फुल बॉडी अंदर से और बाहर से, अंदर बोलेगा तो ये देखिए यहाँ से ये डोर खोल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसका अंदर से भी देखिए ये ऑलरेडी ये मंथ का PPM हो चुका है, कितना क्लीन साफ सफाई है। और उसका बाद में इसका जो फिल्टर है, AHU का सबसे इम्पोर्टेंट फिल्टर है जिसको हर महीना क्लीन करना पड़ता है, तो ये AHU का जो फिल्टर है यहाँ है, आप लोग देख सकता है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये ऐसे निकल जाएगा, बाहर निकलने के बाद ये जाके साफ सफाई हो जाता है पानी का साथ, इसको पानी का साथ अच्छा से प्रेशर में इसको साफ करा जाएगा, एक केमिकल भी है लिक्विड डाल के, जिस वजह से इसका अंदर जो डस्ट रहेगा वो पूरा साफ हो जाएगा, सही है। उसका बाद इसको थोड़ा ड्राई करके फिर इसको दोबारा इसमें लगा जाता है, ये पहला काम हो गया कि इसका फिल्टर साफ करना, सही है। उसका बाद में इसको हम लॉक कर देता है, इसका बाद में हम लोग इसका देखता है कि जो गेज है, इसका जो प्रेशर गेज है चिल वाटर का, रिटर्न और सप्लाई लाइन का, ये हमारा फ्लो है, मतलब हमारा सप्लाई है जो हमारा AHU का अंदर आ रहा है, और ये है हमारा रिटर्न लाइन है जो हमारा AHU से बाहर जा रहा है दूसरा लाइन में, सही है। इसमें एक थर्मोमीटर लगता है जिसका प्रेशर रहता है इसमें, इसका जो कूलिंग का जो लेवल रहता है वो टेम्परेचर लेवल ये 15 का नीचे हमेशा रहना चाहिए, 15 का ऊपर नहीं रहना चाहिए। उसका बाद इसका जो प्रेशर है कूलिंग का हिसाब से, इधर गेज का जो PSI है आप लोग देख सकता है, जो AC टेक्नीशियन है वो लोग को सब समझ आएगा, PSI जो है वो हमारा 100 PSI से ज़्यादा, मतलब 125 तक हमारा PSI, 130-125 PSI में हमेशा रहता है जो नॉर्मल कूलिंग है, उससे ज़्यादा रहे, उससे ज़्यादा कूलिंग होगा तो 150 तक जाएगा, सही है। ये हमारा रिटर्न लाइन का है, जो सप्लाई लाइन का है, ये सप्लाई लाइन का है उसमें भी एक थर्मोमीटर लगता है जिसमें भी हमारा कूलिंग का लेवल है, आप लोग दिख नहीं सकते यहाँ, अभी हमारा 10 में है, ये 5 है, 10, ये 15 है, सही है। तो ये लेवल तक है, सही है, थर्मोमीटर में आप लोग देख सकता है, इसका ऊपर से
आपको नहीं दिखेगा, खाली है यहाँ तक आप लोग दिख सकते हैं, सही है। दूसरा इधर का जो गेज है हमारा सप्लाई लाइन जिसको फ्लो बोलता है, फ्लो लाइन में ये चूका अंदर जो चिल वाटर का पानी आता है उसका जो गेज है, इसका प्रेशर जो है ये PSI 125 130 तक ये लेवल में अभी है, जो हमारा नॉर्मल कूलिंग बिल्डिंग में है। जब हम लोग को हाई स्पीड ही चाहिए तो वो हिसाब से ये गेज का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, सही है। पानी जितना प्रेशर में सर्कुलेट होएगा, जितना स्पीड में चलेगा तो वो हिसाब से थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। ये हो गया हमारा दो नंबर बात। तीन नंबर में क्या करेगा हम लोग, इसका जो हम लोग इधर एक है डोर, ये देख सकता है एज का, इसका अंदर में हमारा लाइट है, जो इसका स्विच यहाँ है, हम इधर आएंगे तो उसका अंदर से लाइट चलेगा। ये जो है ये इसके अंदर हमारा मोटर है, जो एज का जो फैन के लिए जो मोटर है वो इसके अंदर है, आप लोग दिखा सकता है। मैं कभी भी लाइट प्रोजेक्ट में वीडियो बनाता हूँ, आप लोग देख सकता है ये जो मोटर है, मोटर का साथ उसका जो फैन है उसमें एक बेल्ट दिखता होगा आपको, ये बेल्ट को चेक किया जाता है कि ये बेल्ट अब हर महीना में इसको चेक किया जाता है कि ये बेल्ट कुछ डैमेज नहीं हो गया, कुछ कटिंग नहीं हो गया, इस वजह से इसको हर महीना चेक किया जाता है। उसके बाद में मोटर को भी साफ सफाई किया जाता है, देखिए कोई बात नहीं है मोटर का ऊपर, और उसके बाद में इसका बॉडी जो है पूरा बॉडी को क्लीन किया जाता है, नीचे से ऊपर तक साफ सफाई करके इसको क्लीन किया जाता है, सही है। और उसके बाद में हम लोग, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये हमारा बॉडी क्लोज हो गया, तो ये लाइट जो है, लाइट जल रहा है उसको भी देखना पड़ता है, लाइट में लाइट जल रहा है या ख़राब हो गया उसके बारे में उसको भी चेक करना पड़ता है। और उसके बाद में ये PPM का सब खत्म होने के बाद एक चेकलिस्ट रहता है पर मंथ के हिसाब से, इधर आप लोग देख सकता है जो टेक्नीशियन है वो फॉर्म बिलो डेट का हिसाब से PPM उसके बाद नाम लिख के इधर साइन करता है, तो ये मंथली है एनुअली है या जो भी है वो हिसाब से इधर लिखेगा, वो फॉर्म भर के रखेगा, सही है। क्यों, जब चेकिंग आएगा, इंस्पेक्शन आएगा, हमारा क्वालिटी सुपरवाइज़र या क्वालिटी इंजीनियर वो लोग आके चेक करेगा, देखेगा कि इसका काम हो गया है, ये टेक्नीशियन इसमें काम किया है, तो वो लोग को पता चल जाएगा, सही है। तो यह होता है हमारा PPM। पहले हम लोग क्या करता है, फिल्टर साफ करता है, बॉडी साफ करता है, उसके बाद में हम लोग गेज प्रेशर चेक करता है कि गेज कुछ कम नहीं हो गया या टेम्परेचर कुछ हाई नहीं हो गया, उसके बाद में हम लोग उसका जो मोटर है उसका हम लोग बेल्ट चेक करता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप इसमें PPM में बहुत सारे काम रहता है जो आप लोग को इंटरव्यू में बताना पड़ेगा, और आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि PPM में HPPM में क्या क्या करना पड़ता है, चाहिए। उसके बाद में हम लोग ये सब होने के बाद हम लोग क्या करता है, सीधा जाता है कंट्रोल पैनल में, जो कंट्रोल पैनल हमारा HU को रनिंग करता है, सही है। तो ये कंट्रोल पैनल अभी नया वर्जन में VFD पूरा आ गया है, इधर आप लोग दिख सकता है कि ये VFD है, और VFD में क्या होता है कि पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा चालू रहता है, लेकिन इसमें भी अभी नया वर्जन में VFD लगा दिया कि हमारा करंट सेव करने के लिए और स्मूथली हमारा मोटर को स्टार्ट रनिंग और स्टॉप करने के लिए, जैसे कोई झटका मार के मोटर स्टार्ट नहीं होगा जिस वजह से हमारा मोटर को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कॉइल कुछ ख़राब नहीं होएगा, इस वजह से VFD में बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। और उसमें हम लोग स्पीड भी सेटिंग कर सकता है, कितना हम लोग RPM में उसको चलाना चाहेगा उतना RPM में हम लोग चला सकता है, इधर इसका रीडिंग दिखा होगा आप लोग। और बाकी इसका अंदर में अभी ये चल रहा है, इसके लिए इसको मैं खोल नहीं सकता है, बंद नहीं कर सकता है। तो इसका अंदर में क्या होता है काम, ये जो पैनल है इसका भी पूरा ऊपर से नीचे तक इसको क्लीन किया जाता है, अंदर में भी क्लीन किया जाता है। उसके अंदर में जो हमारा मोटर के लिए जो केबल गया है वो केबल का जो वोल्टेज है, हमारा वोल्टेज इधर 3 फेज है तो 440 वोल्टेज है, तो उसको वो वोल्टेज इधर हम लोग चेक करेंगे मल्टीमीटर में, वोल्टेज सेम चल रहा है नहीं चल रहा है, एम्पियर भी देखना पड़ता है, जो मोटर है हमारा उसका एम्पियर, मोटर का जो हम लोग आउटपुट है उसमें कितना एम्पियर दिखा रहा है, हर महीना जो हम लोग चेक करते हैं उससे ज़्यादा या कम हो रहा है या सेम है, सेम होएगा तो सही है, ज़्यादा हो गया तो हम लोग को फिर मोटर का ऊपर जांच करना पड़ता है कि वो मोटर क्यों इतना करंट ज़्यादा लोड लेना चालू कर दिया, सही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ बेयरिंग खराब हो गया या कुछ स्टॉक हो गया, कुछ बेल्ट का इशू है जिस वजह से हमारा मोटर ज़्यादा करंट में चल रहा है, तो इधर एम्पियर हम लोग लेने का टाइम इसका एम्पियर भी पता चल जाता है, सही है। तो बस यही है मेरे को बोलना था कि एक AC टेक्नीशियन आप लोग को मालूम नहीं होगा शायद, एक सुपरवाइज़र का सैलरी लेता है, जो इधर सुपरवाइज कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो सुपरवाइज़र लोग होता है तो वो लोग का सैलरी 4,000, 3,000, 2,500 से ज़्यादा, यहाँ का बेसिक जो है 2,500 से ज़्यादा 3,000, 4,000 तक लेता है, लेकिन एक AC टेक्नीशियन भी उतना सैलरी ले रहा है। अभी दुबई में बहुत सारे कंपनी में गर्मी का दिन है
जून स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत एसी टेक्नीशियन का जॉब बहुत वैकेंसी चालू हो जाता है। अभी एसी टेक्नीशियन के लिए बहुत रिक्वायर है। मैं आप लोग को वीडियो का अंदर में बता दूंगा कौन सा कंपनी में आप लोग को एसी टेक्नीशियन का अभी वैकेंसी है। आप लोग इंडिया में है या कहीं भी है वहाँ से उसका ईमेल एड्रेस में अप्लाई कर सकता है, सीवी सेंड कर सकता है। और बाकी जिसका पास आईटीआई या डिप्लोमा होगा वो लोग लिएगा, नहीं तो गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 5 साल से ज़्यादा, तो वो कैंडिडेट को वो लोग लिएगा, बाकी नया आदमी को नहीं लिएगा। और जो यहाँ गल्फ में है जो मेरा वीडियो देख रहा है तो आप लोग को यहाँ ही है तो आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा कंपनी है। मैं आप लोग को बता दूंगा, वहाँ जाके आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अभी बहुत सारे कंपनी एसी टेक्नीशियन का रिक्वायर है और वो लोग को टेक्नीशियन को 3,500 तक सैलरी अभी दे रहा है, 3,000 से लेकर 4,000 तक है, लेकिन 3,500 सैलरी बहुत सारे टेक्नीशियन को मिला है। तो 3,500 बोलेगा तो हमारा इंडिया का हो गया मिनिमम 70,000 रुपीज़ बोलेगा तो पर मंथ सैलरी। तो एक इंडिया में एक इंजीनियर को भी इतना भी नहीं होएगा, मैकेनिकल इंजीनियर को, सही है। तो एक एसी टेक्नीशियन भी एक इंजीनियर का सैलरी उठा सकता है गल्फ में। तो आप लोग को मैं बता दूंगा कौन सा कंपनी में अभी वैकेंसी है। आप लोग जो जिधर भी मेरा वीडियो जो भी देख रहा है वहाँ से आप लोग ट्राई कीजिए। वो कंपनी सब आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिल रहा है, हर कंपनी को सर्च करेगा उसका ऑफिस का एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। बाकी कुछ दिक्कत होता है तो मेरा नंबर में भी आपको व्हाट्सअप है, मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें व्हाट्सअप नंबर में दिया हुआ है, वही व्हाट्सअप नंबर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आप लोग को जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और आप लोग को हेल्प करूंगा, सही है। और एक मेरा बोलने का है कि एक एसी टेक्नीशियन का रेट एक सुपरवाइजर का बराबर है। तो जो भी एसी टेक्नीशियन है आप लोग कम से कम एक आईटीआई आपका पास होना चाहिए, 2 साल या 3 साल का, जो भी आईटीआई करो या डिप्लोमा करो 3 साल का। और जो लोग करके बैठा है घर पे वो लोग कम से कम कम सैलरी में भी एसी टेक्नीशियन में इधर आ जाओ, इसका बाद में थोड़ा गल्फ का नॉलेज हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आपको दूसरा कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर से जाने से अच्छा है कि मेंटेनेंस कंपनी में एक टेक्नीशियन में काम करे, उसका बाद आप लोग को टीम लीडर सुपरवाइजर का पोस्टिंग भी हो जाएगा, क्यों आपका पास इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट है, ऊपर से आपको नॉलेज हो जाएगा काम का, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग से आपको काम मालूम है, आपको इंटरव्यू जब लेता है वो लोग पूछता है उस टाइम आप लोग को कॉपर का ब्रेजिंग, क्योंकि हमारा जो आउटडोर इंडोर होता है डीएक्स यूनिट है या स्प्लिट यूनिट है उसमें हम लोग का कॉपर पाइप का थ्रू हमारा गैस जाता है, तो वो कॉपर पाइप का ब्रेजिंग उसका सोल्डिंग उसको मालूम होना चाहिए। वो सब क्वेश्चन आप लोग करेगा, उतना आप लोग नहीं मालूम है तो जाके कहीं भी काम करके उसका सीख लीजिए, उसका बाद में आप लोग को 1 साल या 6 महीना उधर काम करने के बाद आपको बहुत अच्छा बड़ा सैलरी में आपको जॉब मिलेगा, तो जिस वजह से आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सही है। तो मेरा यही बोलना था, एक एसी टेक्नीशियन भी एक फोरमैन सुपरवाइजर का सेम सैलरी लेके इधर काम करता है। बहुत सारे एसी टेक्नीशियन है जो 4,000-3,500 ये बेसिक सैलरी में इधर का यूएई में दुबई में काम कर रहा है, जो इंडिया का हर मंथ वो लोग 70,000 से 80,000 दिराम तक वो लोग कमा रहा है, सही है। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा और इसमें और क्या जानकारी आपको चाहिए मैं आप लोग को कमेंट्स में आप लोग बताइए, मैं आप लोग को व्हाट्सअप से थ्रू हम आपसे बात कर सकता है, सही है। तो चलिए यही है, पीपीएम है, एसी ए एच यू का, एफ एच यू का, जो भी है एफ यू का, पीपीएम बोलेगा तो सर्विसिंग सोचने का, उसके अंदर जो जो सर्विसिंग हम लोग करेंगे, या एफ सी यू का यूनिट है, एफ सी यू का यूनिट है तो एफ सी यू को हम लोग कैसे सर्विसिंग करेंगे, उसका फिल्टर साफ करना है, उसका कॉइल चेक करना है, उसका ड्रेन लाइन चेक करना है, उसका बाद उसमें हम लोग उसका स्टेनर क्लीन करना है, जो चिल वाटर का जो पानी आता है उसका पानी के साथ कुछ कचरा आके ज़्यादा दिन से वो ब्लॉक हो जाता है, वो स्टेनर भी क्लीन करना पड़ता है, उसका एक्चुएटर चेक करना पड़ता है, उसका गेज प्रेशर गेज चेक करना पड़ता है, और हमारा एसी यूनिट में यही करता है, और बाकी स्प्लिट एसी में भी हम लोग फिल्टर साफ करता है और इंडोर आउटडोर उसको साफ करता है, उसका एम्पीयर लेता है, उसका वोल्टेज लेता है, और उसका बाद उसका जो चेकलिस्ट है उसको फिलअप करना पड़ता है, और गैस भी चेक करना पड़ता है, गैस कितना प्रेशर उसमें जो हिसाब से जो प्रेशर रहना चाहिए, उसका यूनिट का कैपेसिटी जो हम लोग टन बोलता है ना, 1 टन 2 टन या 2.5 टन 3 टन जो एसी है वो हिसाब से उसका प्रेशर उसमें दिया जाता है, तो उसका प्रेशर सेम उसमें है या नहीं है उसको भी प्रेशर गेज में चेक करके आप लोग उसमें गैस भी रिचार्ज कर सकता है। तो और बाकी जितना भी एसी का अंदर है, जैसे सीसी यूनिट है, सीसी यूनिट भी एक एचयू का सेम टाइप का है, उसमें भी ऐसा सेम काम है, एक काम जैसा है वो एचयू का चिल वाटर लाइन का, वो सब आपको सेम ही सब कुछ पीपीएम में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजिंग है। लेकिन यही बात याद रखिए कि आप लोग को मेंटेनेंस कंपनी में आना है तो पीपीएम बहुत
सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग को मालूम होना चाहिए। छोटा सा वीडियो में आप लोग का रिक्वेस्ट का वीडियो है, आप लोग बहुत सारे आदमी मुझे कमेंट्स किया था कि HBSC का ऊपर एक वीडियो बनाइए। हम लोग जब MFP में काम करता है, हम लोग हर टाइप का काम हमारा सामने होता है, और हम लोग सबसे बड़ा बात है आपको तो YouTube में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, जैसे आप लोग उसमें टेक्निकली नॉलेज आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा यूट्यूबर है, वो अच्छा इंजीनियरिंग या प्रैक्टिकल करके वो लोग दिखा रहा है, थ्योरी भी बता रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी हम लोग फील्ड के ऊपर है, हम लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है उसी में से थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारा कोशिश है। और जो फील्ड में होता है वो थ्योरी क्लास में नहीं होता है, या आप लोग 5 साल उधर भी काम करेगा जो अपना कंट्री में, उससे भी फिर भी इधर डिफरेंट काम मिल जाएगा, सही है, जिस वजह से इधर आप लोग को जॉब नहीं मिलेगा। तो यहाँ का काम आप देखेगा प्रैक्टिकली, जो मेरा वीडियो जितना भी बनता है भले उसमें क्वालिटी थोड़ा कम हो, लेकिन रियली फैक्ट जो प्रोजेक्ट के ऊपर होता है, जो फील्ड के ऊपर होता है, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और आप लोग को ये भी पहले भी मैं इलेक्ट्रिकल का ऊपर, प्लम्बिंग का ऊपर बता चुका हूँ कि हमारा जो भी का वीडियो बनता है वो सब पूरा फील्ड के ऊपर बनता है, प्रोजेक्ट के ऊपर बनता है। ऐसा हम लोग रूम से बैठ के कुछ भी कंप्यूटर में एडिटिंग करके ऐसा कुछ हम लोग वीडियो नहीं बनाता है, जो भी वीडियो हमारा बनता है वो पूरा फैक्ट फील्ड के ऊपर बनता है। आप लोग कोई जॉब करने के लिए आएगा तो यही सेम चीज़ आपका सामने मिलेगा जो हमारा वीडियो का अंदर होता है, सही है। तो चलिए ये वीडियो इधर ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। जी दोस्त, मैं जो बोल रहा था आप लोग को, कौन सा कंपनी में अभी AC टेक्नीशियन का वैकेंसी है, वो कंपनी है पहले तो इनया कंपनी है, इनया फैसिलिटी मैनेजमेंट, और इजादा भी है, और फार्निक भी है, और बाकी इधर हमारा AG इंजीनियरिंग भी है जो अलगुरर बोला जाता है, और बाकी हमारा बहुत सारा ऐसा कंपनी है जिसमें अभी AC टेक्नीशियन का बहुत ज़रूरी है। उसमें आप लोग जाके उसका जॉब, अभी वैकेंसी वीकली वैकेंसी निकल रहा है लेकिन वो मिस हो जाता है, तो आप फिर भी आप लोग डायरेक्ट उनका ऑफिस में, HR ऑफिस में जा सकता है, हेड ऑफिस में जाके, जो गल्फ में है वो उधर जाके CV लेके दे सकता है, और उधर बात कर सकता है कि आपको जॉब चाहिए जो भी है। और बाकी जो इंडिया में है, यही जो कंपनी में बोला वो कंपनी का अंदर आप लोग सर्च कीजिए गूगल में, और वो कंपनी का अंदर में आप लोग CV भेजिए, और फ़ोन में भी फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें भी बात कीजिए। कोई आदमी गल्फ में, कोई भी कंट्री में गल्फ में काम किया हो, सऊदी हो, कतर हो, जो भी हो, कुवैत हो, जिधर भी, ओमान हो, या UAE के अंदर भी आप कोई भी स्टेट में काम किया तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से आप लोग बात कर सकते हैं, वहाँ से भी इंटरव्यू हो जाएगा। और आप लोग उनका जो ऑफिस का गूगल में, ऑफिस का हेड ऑफिस का जो ईमेल है वो ईमेल एड्रेस में आप लोग CV भेजिए और उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये कंपनी में आपको टैलेंट है, आपको इंटरव्यू उधर से होएगा, आपको सब कुछ मालूम है, आपका पास IT डिप्लोमा है, तो आपको जरूर जॉब मिल जाएगा और अच्छा खासा सैलरी मिलेगा, सही है। आगे आगे और भी मेरा जो वीडियो आता है, बहुत सारे वीडियो में जब इंटरव्यू जैसे निकलता है, मतलब कल इंटरव्यू है या 2 दिन बाद इंटरव्यू है, वहाँ मैं पहले से वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं आप लोग का हेल्प के लिए, आप लोग का जानकारी के लिए ये हमारा चैनल है, आप लोग हर आदमी इसको सब्सक्राइब करके रखेगा तो मेरा जो भी कौन सा कंपनी कभी इंटरव्यू कर रहा है, इंडिया जा रहा है या दूसरा गल्फ में, इधर दुबई का अंदर इंटरव्यू हो रहा है, तो मैं जो वीडियो डालूंगा तो आपको इंटरव्यू का डेट का पहले आपका पास पहुंच जाएगा, आप लोग देख के प्रिपरेशन हो सकता है या वो जगह पे आप लोग पहुंच सकता है, जा सकता है, सही है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करने का और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखेगा तो कभी ना कभी आपको ज़रूर फायदा होगा हमारा चैनल से, हमारा वीडियो से। और जो भी गल्फ के बारे में, दुबई के बारे में आप लोग जानकारी चाहिए और कौन सा काम का ऊपर आपको नॉलेज चाहिए, मैं पूरा साइट के ऊपर से आप लोग का पास वीडियो रिकॉर्ड करता है और साइट के ऊपर का वीडियो ही आप लोग को मैं अपलोड करता हूँ, सही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूसरा कहीं से काम करता है और दूसरा कहीं पे हम लोग वीडियो डालता है, सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर जो होता है, कैसे इधर का काम है, कैसे आदमी काम करता है, क्या इधर होता है, क्या नहीं होता है, हम लोग कितना साल भी हम लोग इंजीनियरिंग करें, डिप्लोमा करें, ITI करें, जो हमारा थ्योरी क्लास में पढ़ा जाता है या अपना जो मुल्क है उसमें हम लोग जो काम करता है, वो सेम काम हमको गल्फ में या दुबई में नहीं मिलता है। उसमें से 30% मैच होगा, 70% मैच नहीं होगा, क्यों, यहाँ का काम अलग है, यहाँ का जो सिस्टमेटिक इंजीनियरिंग सेफ्टी जो रिक्वायर है, यहाँ का सब कुछ डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको इसका बारे में नॉलेज पहले से मिले तो आप लोग इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, जिस वजह से आपका सैलरी और पोस्ट आप लोग को अच्छा मिल सकता है, सही है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोग को मेरा जो वीडियो है कैसा लग रहा है कमेंट्स करके बताइए, और जिसको जिस डाउट भी है मेरा व्हाट्सअप का नंबर पे मुझे मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकता है, सही है। और आगे कौन सा कंपनी का इंटरव्यू वैकेंसी निकलेगा मैं आप लोग को अपडेट करूँगा, आप लोग वो हिसाब से आपका प्लानिंग करने का, सही है। थैंक यू सो मच।